ए वो सब गाइस स्वागत है आपका ओवेश वर्ल्ड में तो यार आज की वीडियो में मैं आपके साथ फाइव क्रिएटिव इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज शेयर करने वाला हूँ पिछली वीडियो मैंने बनाई थी इंस्टाग्राम स्टोरी आइडियाज़ पर आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाया था तो मैं आपके लिए फाइव और क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ गया हूँ जैसा कि आपने रील्स पर इस टाइप की वीडियोज देखी होगी थर्टी सेकेंड की इसमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके की स्टोरी को बनाते तो तुम्हारा भाई तुम्हें डिटेल में बताएगा कि डबल फोटो को कैसे लेकर आ सकते हैं और जो भी एलिमेंट आपको नहीं मिलते वो कैसे लेकर आ सकते हो तो यार इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अगर आप रेगुलर वायरल एडिटिंग वाली वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर देना इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा तो फोन को कर लेते हैं हम वाइड एंगल में तो फर्स्ट आइडिया में आपको क्या करना है अपने फोटो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लेकर आ जाना है और उसके बाद आपको एक चीज करना है आपको जाना है प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर पर आपको एक की मिलेगा स्विफ्ट की की आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेना इस की को आपको क्यों डाउनलोड करना है इस की को डाउनलोड करने से जो इंस्टाग्राम पर डबल फोटोज आते हैं वो आपके इसमें इनेबल हो जाएंगे तो इस कीबोर्ड को डाउनलोड करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है अपने फोन की और कीबोर्ड को सर्च करना मैनेज की बोर्ड में जाकर माइक्रोसॉफ्ट स्विफ्ट की की को इनेबल कर देना जिससे आपका की जो है इनेबल हो जाएगा ठीक है तो हमारे की में हम आ चुके कीबोर्ड में आने के बाद आपको सिंपली टेक्स्ट पर जाना है फिर आपको यहाँ पर स्टीकर के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे पिन वाले ऑप्शन पे जाना है फोर्थ नंबर पे जैसे आप पिन वाले ऑप्शन पे जाओगे आपको यहाँ पे फोटोज़ मिल जाएंगे यहाँ से आपको सिंपली अपने फोटो को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है तो आपका फोटो देखो यहाँ पर आ गया है तो अभी हम इसी इस तरीके से एक और फोटो को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं सेम तरीके से यहाँ पे स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाना है पिन पे जाना है और अपने फोटो को यहाँ पे लेकर आ जाना है तो भाई सबसे पहले आपको दो फोटो को यहाँ पर इस तरीके से लेकर आ जाना है दो फोटो को लेकर आने के बाद आपको इस तरीके का एक सिम्बल लेकर आना है आपको ये कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ तो ये वाले सिम्बॉल के लिए आपको अपने फ़ोन के गूगल क्रोम पर जाना है क्रोम पे आप सर्च करोगे कूल सिम्बोल डॉट कॉम याद रखना कूल सिम्बो डॉट कॉम इसमें एम गायब हो गया ठीक है कुल सिम्बो डॉट कॉम ये ऊपर लिखा हुआ है इस पर आप सर्च करोगे आप आपको काफ़ी ज़्यादा सिम्बल मिल जाते आप उस सिम्बॉल पर टैप करोगे तो आपका जो है मतलब स्क्वायर सर्कल मतलब आपको हज़ारों सिंबल वहाँ पर मिल जाएंगे तो आप वहाँ से उसको लेकर कॉपी कर लेना कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना तो यही इसकी ट्रिक थी जो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होंगे इससे रिलेटेड तो यहाँ पे कूल सिम्बल डॉट कॉम से इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे तो सबसे पहले एक स्क्वायर को यहाँ लगा देते सेकंड स्क्वायर को यहाँ लगा देंगे उसके बाद थर्ड स्क्वायर को इधर लगा देंगे और यहाँ पर इस तरीके से कुछ चार स्क्वायर को हम यहाँ पर लगा देते दो का कलर मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया है अपने फोटो पे टैप करके फोटो को ऊपर की तरफ लेकर आ जाना फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके अंडर स्कोर की इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है आपको इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे लगा देना है फिर फोटो पे टैप करके फोटो को ऊपर लेकर आ जाना है गाइस फोटो को ऊपर लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे जी आई एफ में जाना है यानी गीफी में ठीक है सर्च गीफी जो है, में जो रहता है उसमें जाने के बाद आपको सर्च करना है वाइट कॉफ़ी वाइट कॉफ़ी में आपको ये हेलो मॉर्निंग वाला मिल जाएगा और यहाँ पर आपको जाना है पेंट वाले ऑप्शन में थर्ड नंबर के ब्रश को सिलेक्ट करना है यहाँ पे कलर पिक करने का ऑप्शन मिल जाता है तो इस कलर को पिक कर लेना है और इस तरीके से आप स्क्रीन पे टैप करोगे तो आपका स्टोरी आप देख सकते हैं और कितना अमेजिंग यहाँ पर बन गया है। चलते हैं हमारे सेकंड आइडिया की तरफ अब हम एक बर्थडे स्टोरी बनाने वाले तो अपने फोटो को एक टू स्टोरी करके लेकर आ जाना सबसे पहले आपको ब्रश वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर एक कलर को पिक करना है कलर को पिक करने के बाद उसको सिंपली टैप करके बैकग्राउंड में अप्लाई कर देना है ठीक है तो ये अप्लाई कर दिया अप्लाई करने के बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ पर आपको अंडर की एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसको कॉपी कर लेना आप कॉपी करने के बाद इस लाइन को आपको यहाँ पे लगा देना है ऊपर की तरफ कुछ ऐसे और यहाँ पर सेकंड लाइन को इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है दो लाइन को लगाने के बाद आपको इसी तरीके से दो और लाइन को नीचे की तरफ लगा देना है फिर आपको यहाँ पे पेंट मतलब कलर वाले ऑप्शन यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पर जाना है और सिंपली यहाँ पर आपको इसकी साइज़ बढ़ा के ब्लैक कलर सेलेक्ट करके एक डॉट दे देना है इस तरीके से बस सिंपली डॉट देना है और फिर कुछ आपको इस तरीके से ब्लैक डॉट ऊपर दे देना है और थोड़े से आपको वाइट डॉट दे देना है तो एक अच्छा सा लुक आएगा इतना कंप्लीट होने के बाद आप कुल सिम्बल डॉट कॉम पर जाकर स्क्वायर को यहाँ से कॉपी कर लेना कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना पेस्ट करने के बाद आपको इसकी साइज़ को बढ़ा कर यहाँ पर लगा देना है गाइस तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट से लगा कर दिखा देता हूँ और इसी को यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ब्लैक कलर दे देता हूँ ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट करके एक टेक्स्चर मतलब अच्छा लगता है मतलब उसका कॉम्बिनेशन तो तीन स्क्वायर हम यहाँ पर लगा देते उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एक ये वाले सिम्बल को हम कॉपी कर लेते ठीक है अब इस वाले सिंबल को कॉपी कर लेना आपको रेक्टेंगल को इसके कलर को हम दे देंगे ब्लैक ब्लैक कलर देने के बाद इसको यहाँ पर लगा देंगे इधर की तरफ यहाँ पे हम क्या करेंगे हमारे फ्रेंड का नाम मेंशन करके यहाँ पे लिख देंगे तो अच्छा लगेगा फिर अगेन आपको एक स्क्वायर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और इस तरीके से फ्रेम की तरीके से उसको यहाँ पर अपने फोटो के ऊपर लगा देना है फ़ोटो पर लगाने के बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर सेकेंड वाला फ़ोन चूज करके लिखना है हैप्पी हैप्पी को आपको यहाँ लगा देना है और उसके बाद आपको अगेन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर लिखना है बर्थडे तो बर्थडे आपको टाइप करने के बाद सेकंड वाले फ़ोन को चूज़ करना है इसके कलर को आपको ब्लैक दे देना है और इसको यहाँ पर लगा देना है और अभी आप देख सकते हो आपका स्टोरी जो है रेडी हो चुका है गाइस चलते हैं हमारे थर्ड आइडिया की तरफ थर्ड आइडिया हमारा एक म्यूज़िक स्टोरी होने वाला है तो आप अपने फ़ोन से एक फोटो को क्लिक कर लेना टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर लास्ट फोन को चूज़ करके गुड लिखना पहले गुड लिखने के बाद एक डॉट देना और उसको यहाँ पे लगा देना फिर एक और डॉट दे के इसके साइज़ को बढ़ा के इसको यहाँ पे लगा देना यहाँ पे लगाने के बाद अपनी एक जीप को लेकर आना टंग को टंग को यहाँ पे लगा देंगे फिर एक ब्रैकेट को लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे ब्रैकेट को यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे हम जे में यहाँ पर सर्च करना है लैश तो लैश सर्च करने से क्या होगा ये आँखों के पलके आ जाएगी आपकी आपको जे में जाके लैश सर्च करना है तो लेफ़्ट राइट right दोनों पलकों को यहाँ पर लगा देते हैं दोनों पलकों को यहाँ पर लगाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर लिख देना है मॉर्निंग लास्ट वाले फोन को चूज़ करा है मैंने इस वाली स्टोरी में याद रखना उसके बाद आपको क्या करना है कूल सिम्बल डॉट कॉम से यहाँ पर एक एक सिंबल को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं स्क्वायर वाला इस तरीके से रेक्टेंगल वाले सिम्बल को इसको यहाँ पर लगाएंगे अभी मैं यहाँ पे एक चार्जर को ड्रॉ करूँगा मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे ड्रॉ करना है पहले इस सिंबल को यहाँ पर लगा देना है आपको सिंपली सिंपल इसको यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एक अंडरस्कोर स्कोर के लाइन को ड्रॉ करना है और इसको यहाँ नीचे की तरफ लगा देना है और आपको इस वाले जो रेक्टेंगल है उस पर टैप करके उसको ऊपर लेकर आ जाना है आप जिस पे टैप करते हैं वो चीज़ ऊपर आ जाती है फिर कुल सिंबल डॉट कॉम से मैं एक स्क्वायर को इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर इसके ऊपर लगा देता हूँ ठीक है तो ये चार्जर टाइप लग रहा है अभी यहाँ पर उसके बाद मैं क्या करूँगा एक हर्ट वाले एक टेक्स्ट वहाँ पर कोल सिंबल पर जाकर एक हर्ट को इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पर लगा दूँगा उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ वाले ऑप्शन पर जाके हर्ट को जो है आधा इस तरीके से रेड कलर से फिल कर देंगे फ़िल करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है एक जी आई में यहाँ पर आपको सर्च करना है थंडर और थंडर आपको ये मिलेगा वाइट वाला इस थंडर को उठाकर आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है डे और डे को आपको छोटो सा करके यहाँ पर लगा देना है हर्ट के अंदर इसको यहाँ पर अंदर लगाने के बाद एक सॉन्ग अपना पिक कर लेना सॉन्ग को इस तरीके से आप नीचे छुपा देना और नीचे छुपाने के बाद आप देख सकते हो आपका स्टोरी जो है यहाँ से रेडी हो गया है गाइस अब चलते हैं हमारे फोर्थ आइडिया की तरफ फोर्थ आइडिया बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है सबसे पहले अपने फोटो को यहाँ पर लेकर आ जाना आप फोटो को लेकर आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाकर पिन वाले ऑप्शन पर जाकर एक और फोटो को लेकर आ जाना फोटो को यहाँ पर लेकर आने के बाद सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है सेकंड नंबर का फोन चूज़ करके आपको उसका बैकग्राउंड इनेबल करना है बैकग्राउंड के कलर को पिक करना पिक करने के बाद इस तरीके से स्पेस देकर इसको बड़ा कर लेना बड़ा कर लेने के बाद इसके साइज़ को इंक्रीज करके यहाँ पे लगा देना इधर कॉर्नर पे और एक और इसी तरीके से एक और आपको ड्रॉ कर लेना है मतलब इसका बैकग्राउंड इनेबल करके सेकेंड फोन चूज करके एक और इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और इसको यहाँ लगा देना इधर की तरफ तो दो आपके यहाँ पर लग जाते हैं उसके बाद एक अंडर स्कोर के आपको लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से ठीक है इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपल इसको भी कॉपी कर लेना है एक लाइन को उठाकर आपको यहाँ पे लगा देना है एंड देन सेकंड वाली लाइन को आपको पेस्ट करके यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देना है दो लाइन को आपको यहाँ पर लगाने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है लास्ट वाले फोन को चूज़ करना है और यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को आप इस तरीके से वाइट करना ठीक है बैकग्राउंड को वाइट करने के बाद इसको यहाँ पर लगाएंगे हम कुछ इस तरीके से इस पर लगाने के बाद अपने फोटो को इसके ऊपर लगा देना तो ये फ्रेम का, का काम करेगा अभी आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर एक अंडर की लाइन को ड्रॉ करना है गाइस कुछ इस तरीके से छोटो सा करना है इस लाइन को ड्रॉ और इसको यहाँ पर लगा देना यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लगाने के बाद कुछ यहाँ पर तीन लाइन ऊपर कर देना और चार लाइन नीचे फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद एन को सिलेक्ट करना बैकग्राउंड का उसका इनेबल करना और बैकग्राउंड के जो कलर है वो आप अपने फोटो में से सिलेक्ट करना तो इस कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा देता हूँ और बस यही जो सेम कलर है इसको आप चूज कर सकते हो अदरवाइज आप दूसरा भी कलर चूज़ कर सकते हो तो एक कलर को पिक करने के बाद इसको यहाँ पर न्यू पोस्ट पूरा लिख देता हूँ मैं और ये न्यू पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पर सर्च करूँगा मैं वाइट uh, आप सर्च करना वाइट केवल यहाँ पर पहला वाइट सर्च करना तो आपको ये स्टार्स मिलेंगे इस स्टार को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और अभी आप देख सकते हो यार आपका स्टोरी जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पर दिखने वाला है इसको हम ज़्यादा नहीं रखेंगे काफ़ी कूल cool लग रहा है और अभी चलते हैं हमारे लास्ट आइडिया की तरफ लास्ट आइडिया सबसे अलग है समथिंग न्यू है तो आपको अपने फोटो को लेकर आना है उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाकर पिन वाले ऑप्शन में जाकर एक और फोटो को लेकर आ जाना है दो फोटो को लेकर आने के बाद तीसरे फोटो को लगाकर यहाँ पर तीन फोटो को लगा देना है और इसको आपको यहाँ से सेव कर लेना है गाइस सिंपली आपको इसको सेव करके यहाँ पे डिस्कार्ड कर देना है और इसको जो सेव करा उसको लेकर आ जाना है फिर सेव फिर आपको जाना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे ब्रश को सिलेक्ट करना है थर्ड वाले एक कलर को अपने फोटो में से पिन करना और इसको इस तरीके से टैप करके अप्लाई कर देना ठीक है तो यहां पर मैं इसको फटाफट से अप्लाई कर देता हूँ इस तरीके से थर्ड वाले ब्रश को सिलेक्ट करना आप जिससे क्या होगा थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखेगा फिर आपको क्या करना है टैक्स वाले ऑप्शन पर जाकर कूल सिंबल से मैंने एक सर सर्कल को इस तरीके से कॉपी कर लिया इस सर्कल को आपको लेकर आ जाना है और तीन सर्कल यहाँ पर लगा देना है फिर यहाँ पर इरेजर वाले ऑप्शन पर जाकर ये जो सर्कल है इसको अंदर से आपको सिंपली इरेज कर लेना है तो फटाफट से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ सर्कल को इरेज करने के बाद तीनों सर्कल इरेज कर लेंगे फिर हम जाते हैं यहाँ पर जी में वाइट सर्कल सर्च करेंगे और ये वाला वाइट सर्कल आपको यहाँ पर लगा देना है सेकंड वाले वाइट सर्कल को आपको इधर लगा देना है एंड देन थर्ड वाले सर्कल को आपको यहाँ पर लगा देना है तीन सर्कल लगने के बाद अगेन आपको जाना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर फर्स्ट वाले ब्रश को सिलेक्ट करके वाइट डॉट दे देंगे कुछ इस तरीके से ये जो नीचे की जगह इसको खाली रहने देना है यहाँ पर आपको जी में जाके एक वाइट लीव को लेकर आ जाना है वाइट पत्ती को और उसके बाद यहाँ पर आप वाइट लीव को लेकर आने के बाद एक वाइट बटरफ्लाई को सर्च करना और ये वाली बटरफ्लाई को लेकर आ जाना ये वाली वाइट बटरफ्लाई लगाने के बाद आपको सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाकर सर समथिंग न्यू कुछ इस तरीके से लिख देना है और अभी आप देखो आपका स्टोरी जो है बहुत हार्ड तरीके से रेडी हो गया है तो ऐसा ये स्टोरी आइडियाज़ का पार्ट टू था अगर आपको पार्ट वन देखना है तो आप जो है चैनल पे जाकर देख सकते हो और अगर आपको ये एस्थेटिक वीडियोस बनाना सीखना है जो कि इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल हो रही है तो अगर आपको ये बनाना सीखना है तो आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो अभी के लिए आप ये स्टोरी आइडियाज़ का पार्ट वन देखो अगर आपने ये नहीं देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप चैनल पर जाना है यहाँ पर टैप करके और वहाँ पर आपको काफ़ी वायरल वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल मिल जाएंगे होप आप सभी भी कोई वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब तो कर ही देना या नोटिफिकेशन कॉल कर देना मिलते हैं